दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ग्रिड में आए हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रकार अभी जितनी भी वैकेंसीज आ रही है, चाहे वो DRDO में हो चाहे इसरो में हो, सब में वैकेंसी जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तौर पे अप्रेंटिसशिप तौर पे आती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का पूछना रहता है कि ये फॉर्म को हम कैसे फिलअप करें। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सारा प्रोसेस बताऊँगा कैसे जो है आपको यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, BPCL के मुकाबले में कम मिल रहा है, लेकिन ठीक मिल रहा है। मतलब आपको 12,000, 11,000, 15,000 ऐसे जो स्टाइपेंड मिल रहा है। तो यहाँ पर ITI डिप्लोमा BTEC के और जो ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बताएंगे यहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग देंगे। अगर पसंद आए ये वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, बाकी दोस्तों अगर आपको एकदम नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप अपने इच्छा के मुताबिक जो है फ्री हैं, हम आपको पूरा राइट देते हैं। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए सारी बातें जो है यहाँ पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे पावर ग्रिड में, जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गुड़गांव, फरीदाबाद, जम्मू, लखनऊ, पटना, कोलकाता, यहाँ पे नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन शिलोंग, देन दोस्तों उड़ीसा, वेस्टर्न नागपुर, वडोदरा, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब लोकेशन पे जो है आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे आया हुआ है, ये ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है। तो यहाँ पे अगर मैं एक बात करूँ, जैसे मान लीजिए मैं हरियाणा का एडवर्टीज़मेंट खोलता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ का हरियाणा का एडवर्टीज़मेंट खोल रहा हूँ। इसी प्रकार तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी ब्रांच जो है मतलब यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए ITI वाले इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट जो हैं फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उनके लिए जो है 11,000 जो है पर मंथ स्टाइपेंड रखा गया है। डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल सिविल के कैंडिडेट जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल है, उनके डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 12,000 पर मंथ दिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इससे पहले जो है आप कहीं पे भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम नहीं किए हो तभी जाके आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कर सकते हैं। नहीं, अगर आपने कहीं पहले से किया हुआ है तो आप नहीं कर सकते हैं। और अपने लाइफ में दोस्तों आप एक ही बार अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा पैसे दे, जैसे BPCL जो है 25,000 दे रही थी, 18,000 डिप्लोमा वालों को दे रही थी, तो वहाँ पे अगर आप वो फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं या फिर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारी खामियाँ भी बताई हैं सरकार के बारे में, आप उसको भी सुन सकते हैं। तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट हैं, जो BTEC वाले कैंडिडेट हैं, वो इलेक्ट्रिकल के और सिविल के कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। 15,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जा रहा है। और टेली कम्युनिकेशन के भी कैंडिडेट और कंप्यूटर साइंस के भी कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, BTEC वाले और BSc वाले। देन दोस्तों यहाँ पे HR के लिए पोस्ट आई हुई है, HR पेरोल एंड एम्प्लॉय डाटा मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पे 15,000 पर मंथ दिया जा रहा है। देन दोस्तों यहाँ पे 2,500 रुपये जो है आपको एडिशनल दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं और क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे मान लीजिए आपको 2,500 इसलिए दिया जाएगा, अगर आप मान लीजिए कंपनी द्वारा आपको जो है रूम नहीं मिलता है तो आपको 2,500 जो है एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो देखिए फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, उससे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें जो है आपके जो परसेंटेज आए हुए हैं ITI डिप्लोमा BTEC में, उसके बेसिस जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और ये आपको सारी सुविधाएँ जो है मतलब आप सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं आपको जो है मेल ID के थ्रू यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका लिंक जो है सारा चीज़ मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप जो है वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए अप्लाई करने के लिए कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे सारा चीज़ जो है मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट बता दूँ, ये जो फॉर्म है ये इसकी जो लास्ट डेट है 20/8/2021 रखी गई। जी हाँ दोस्तों, 20/8/2021 रखी गई है। और ये जो फॉर्म है वो दोस्तों आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा 21/7/21 जुलाई से जो है स्टार्ट होगा। आपको पहले इन्फॉर्मेशन बता दिया हूँ, इसलिए जो है अभी इसका लिंक जो है एक्टिवेट नहीं मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, पहले जो है आपको यहाँ पे NATS के पोर्टल पे जाना है, NATS या NAPS के पोर्टल में जाना है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जो है पहले यहाँ पे जाके अपने आप को इन्रॉलमेंट करेंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे इन्रॉलमेंट करने के लिए आपको इस प्रकार, मैं मोबाइल के थ्रू कर रहा हूँ इसलिए आप भी मोबाइल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस जो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे वेब पोर्टल जो है mhrdd.nats.gov.in का खुल के आएगा। तो आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस जो है यहाँ पे अपनाना है। तो यहाँ सबसे पहले आप अपना नेम ऐड करेंगे, नेम ऐड करने के बाद आपको यहाँ अपना फादर नेम या मदर नेम जो यहाँ दे सकते हैं वो देना है, जो कि आपके गवर्नमेंट ID में दिया हो, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड में इशू हो। उसके बाद आपको यहाँ रिलेशनशिप शो करना है कि उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। उसके बाद आपको यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि
कि आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर, जो कि आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो, आपके यूज़ में हो, वो आपको यहाँ देना है। दोस्तों यहाँ जो रेड कलर से मार्क है वो आपको फिल करना मैंडेटरी है, तो आप सभी को ये सारे सेक्शन फिल करने हैं। उसके बाद आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ आप मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी देनी है, जो कि एक्टिव हो, आप यूज़ करते हो। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ आपको कन्फर्म करना है ईमेल आईडी। दोस्तों आपको मैं एक बार और बता दूँ, यहाँ ईमेल आईडी जो है वो आपको सही सही डालनी है, वरना आपकी जो ईमेल आईडी पे जो आईडी जाएगी, मतलब कह सकते हैं अप्रेंटिसशिप पोर्टल से जो आईडी भेजी जाएगी और पासवर्ड भेजा जाएगा, वो आपके पास प्राप्त नहीं होगा। तो आपको ईमेल आईडी सही से चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो दोस्तों पासवर्ड कुछ आपको ऐसे जनरेट करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहे, जैसे कि आप अपना नाम लिख सकते हैं, उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं और 123 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ सबमिट करना है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों यहाँ सबमिट करने के बाद आपको यहाँ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाता है, आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिलता है, बट यहाँ अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो इस डेट से पहले, मतलब आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट से पहले आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करके उसमें एक मैसेज गया है, उसको आपको वहाँ से एक्टिवेट करना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ अप्रेंटिसशिप पोर्टल की तरफ से जो भी मेल आया है उसमें आपको एक्टिवेट करने के लिए कुछ ऐसा लिंक मिलेगा, यहाँ आप एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ ब्राउज़र सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, क्रोम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, आपको वेट कर लेना है। तो जैसे ही ये सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपका जो यूज़र प्रोफाइल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली पूरी तरह से हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपको लॉगिन वाले सेक्शन पे चले आना है, यहाँ लॉगिन आप सभी को करना पड़ेगा दोबारा से। दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला था वो डालना है, उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालेंगे जो आप सभी ने बनाया था, वही पासवर्ड आप सभी को यहाँ डालना है। कई बच्चे परेशान रहते हैं कहीं ईमेल आईडी का पासवर्ड तो नहीं डालना, तो यहाँ ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं डालना है, जो आपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के वक्त पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड डालना है। उसके बाद आप इस बॉक्स को चेक करेंगे और यहाँ से लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास एक्टिवेशन लिंक जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त नहीं आया है तो आप यहां से दोबारा से उसको मंगवा सकते हैं और पोर्टल वेरीफाई कर सकते हैं अपना, और यहां जो है फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, आपको ये भी मिल जाता है अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है। दोस्तों यहां लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों देख सकते हैं यहां आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल करने के लिए ऑप्शन मिलता है, यहां आप इस प्रोफाइल के बटन पर आप क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको यहां डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है ताकि आपको सारे फीचर्स डेस्कटॉप मोड के मिले, कंप्यूटर वाले मिले, ताकि आप आसानी से इस फॉर्म को फिल कर पाएँ। तो दोस्तों यहां आप सभी को अपना फोटो अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करना है, तो सारे के सारे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए सबसे पहले उनको रिसाइज कर लें। दोस्तों चलिए यहां कंप्लीट योर प्रोफाइल पर आप क्लिक करें। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ आपको एक अबाउट मी का सेक्शन मिलता है, यहाँ आपको एडिट का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके एडिट करेंगे। दोस्तों यहाँ से आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, अगर आपके नाम में कुछ गलती हुई है, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन के वक्त कई बच्चे गलती कर देते हैं, तो आपसे नाम में अगर कुछ गलती हुई है या अदर किसी चीज़ में मोबाइल नंबर में गलती हुई है तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ बर्थ डॉक्यूमेंट देना है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यहाँ आधार कार्ड, दसवीं की मार्कशीट या पैन कार्ड दे सकते हैं। तो यहाँ आपको एक फ़ाइल अपलोड कर देना है, जो कि आप देख सकते हैं अगर आप उसको 4 MB से कम में आपको अपलोड करना है, जो कि JPG, PDF या PNG फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद आपको सारी डिटेल फिल हुई मिलेंगी। उसके बाद आपको यहाँ अपना मदर नेम फिल करना है, मदर नेम आपने अगर आपने पहले से फिल कर रखा तो आपको मदर नेम पहले से फिल मिलेगा। दोस्तों यहाँ जो चीज़ें फिल नहीं है आप सभी को फिल कर लेना है, यहाँ मदर नेम फिल करेंगे। उसके बाद एक ID प्रूफ देंगे, जो कि आपका पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब हो सकता है, तो आप सभी को इनमें से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर आप पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अदर चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आपको जो आधार कार्ड है वो नहीं अपलोड कर सकते हैं। तो इस वजह से आप सभी को पैन कार्ड या वोटर आईडी ही अपलोड करना, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना मैंडेटरी है। तो यहाँ से आप पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे और पैन कार्ड को यहाँ PDF, JPG या किसी भी फॉर्मेट में यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ है, बट यहाँ 4 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पैन कार्ड अगर आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पैन कार्ड का नंबर आपको देना पड़ेगा। इस सेक्शन में आप पैन कार्ड का नंबर देंगे, उसके बाद आप किस स्टेट के निवासी हैं, मतलब आप किस स्टेट के डोमिसाइल हैं। दोस्तों आप यहां सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी स्टेट में आप रहने वाले हैं। उसके बाद आपको यहां सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब कह सकते हैं आपको यहां निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अगर आपके पास है तो चलेगा, वरना कोई बात नहीं, यहां अपलोड भी कर सकते हैं नहीं भी अपलोड कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं आप सभी। उसके बाद आपको यहां कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो यहां आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद आपको यहाँ अपना सिटी का नाम डालना है और सारे एड्रेस को, मतलब आपको जो कंप्लीट एड्रेस है वो आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ एड्रेस देने के बाद आप सभी को यहाँ अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो यहाँ भी सेम फॉर्मेट है, आप JPG में अपलोड कर सकते हैं, 4 MB से कम होना चाहिए। यहाँ से आप सिलेक्ट करके अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ आप अपना प्रोफाइल इमेज भी सिलेक्ट करके आप लगाएंगे, जो कि PDF फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, JPG में आप लगा सकते हैं, 4 MB से कम होना चाहिए। दोस्तों यहाँ आप सभी को फोटो सही से लगानी है। और यहाँ अबाउट मी का एक सेक्शन मिलता है, यहाँ आप अपने बारे में लिख सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो सही रहेगा, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ आपको यहाँ एक अपलोड का सेक्शन मिल जाता है, अपडेट इस डाटा को आप अपडेट कर देंगे। दोस्तों उसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स आपको अपलोड करनी है, जैसे कि आपका 10वीं का मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या ITI का, जो भी आपने कर रखा है वो आप सभी को यहाँ अपलोड करना है। तो यहाँ ऐड एजुकेशन पे आप क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके बाद ये प्रोफाइल खुल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन टाइप यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ बहुत सारी अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, टेक्निकल और एजुकेशनल। तो एजुकेशनल में सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देख सकते हैं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जितनी भी क्लास का आप डिटेल अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। चलिए हम यहाँ सबसे पहले 10th का अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ इसके बाद आपको यहाँ अपना इंस्टीट्यूट का नाम दे देना है और यहाँ देख सकते हैं अपना मार्क्स देना है, टोटल मार्क्स देना है और परसेंटेज देने के बाद स्टार्ट डेट देना है कि आपने 10th क्लास में कब स्टार्ट करी थी अपनी पढ़ाई और आपका जो कोर्स है 10th का वो कब ख़त्म हुआ था यहाँ पे देना है। दोस्तों यहाँ आप 1 साल का गैप दे सकते हैं, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के ऐसे करके आप 1 साल का गैप दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, मतलब 10वीं का मार्कशीट अपलोड कर देंगे। अगर आप 12th का क्वालिफिकेशन अपडेट करते हैं तो 12th का अपडेट करेंगे, उसी हिसाब से ITI वाले ITI का करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपडेट पर क्लिक कर देना है और आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो अपडेट हो जाएगा, 10वीं 12वीं और ITI का। अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ प्रेफरेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये एक एडिट कर सकते हैं, इसको यहाँ आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आप किस ट्रेड को यहाँ प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने मान लीजिए किसी ट्रेड से कर रखा है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर आपने कर रखा है तो इलेक्ट्रीशियन सर्च करेंगे और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस टाइप की जो वैकेंसीज आएंगी तो आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने 10वीं का रखी है तो यहाँ 10वीं का प्रेफरेंस दे सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारी प्रेफरेंस दे के अपडेट कर लेंगे। दोस्तों उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई करवाना होगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ एडिट पे क्लिक करना है, आधार वेरिफिकेशन पे। दोस्तों यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, जो कि आपका सही सही डालना चाहिए ताकि आपको कोई भी गड़बड़ी यहाँ ना हो। तो आपको सही से डाल देना है, जो कि आसानी से आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं आप सभी का जो आधार वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसी के साथ आपका जो प्रोफाइल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आप अपना कहीं से भी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी